का सच पास, पूरा सच पास शॉप्स वगैरह में मिलता है ना ब्लैक में। तो मैं इतना ऐसे ही मन करता कि ऐसी हाइट पे ना कहीं तो मैं लूंगा। मेरा मन वैसे उत्तराखंड में है करके सुबह सुबह बैठ जाया करेंगे धूप वाले ढाए, वो जो वो छोटी छोटी रोड नजर आ रही है ना। रोड जो है वो ऑफ रोड नहीं हुई है, दो बंदे बैठे हैं और स्पीति जाएंगे ना तो वहां पे भी आपको मिलेगा। तो स्वागत है गाइस आपका पांगी वैली में, वेलकम टू पांगी वैली लिखा हुआ है। तो गाइस अभी यहाँ ऊपर जो देख रहे हैं ना, यहाँ रहते हैं वो चरवाहे, भैंसे लेकर आते हैं पंजाब से पठानकोट से, यहाँ कुछ टाइम के लिए रहते हैं 3 महीने। और भैया कह रहे हैं अभी अभी निकले हैं, अब वो वापस नीचे चले जाते हैं। और ये देखिए कितनी सही जगह बैठने के लिए, सोच रहा हूँ ड्रोन शॉट लिया जाए, नज़ारे फुल लेते हैं। की चाय है, क्या टेस्ट है। कभी भी आओ तो रानीकोट की भी चाय ट्राई कर लीजिएगा, बहुत टेस्टी है। ज़्यादा महंगी नहीं है, 20 रुपये की है और मैगी 50 रुपये की है। तो मुझे तो लगता है ज़्यादा रेट होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी ठीक है। और धूप लग चुकी है, देख ही रहे हो आप मेरे फेस पे कितनी पड़ रही है, मज़ा आ जा रहा है। पैक हो गया रखा हुआ है, हवा का कहीं नामो निशान नहीं अंदर, आगे देखेंगे। अभी मौसम तो साफ हो चुका है बिल्कुल, 1.5 घंटा लगेगा अभी सच पास के लिए। और सतरुंदी यहाँ से 8-9 किलोमीटर की दूरी पे कह रहे हैं, जो एक अनदर लोकेशन है जहाँ पे आप चाय पानी वगैरह पी सकते हैं। और उसके बाद सीधा सच पास, वहाँ पे भी चाय मैगी है, परोंठे की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल नहीं है, परोंठा आपको यहाँ मिल जाएगा रानीकोट में। तो गाइस अभी रानीकोट से दिखा रहा हूँ आपको व्यू, नीचे घर नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं वहीं कहीं से हम आ रहे हैं यार। अभी तो पता नहीं है रास्ता, लेकिन जो भी रास्ता नज़र आ रहा है ना तो यही लग रहा है कि वहीं से आ रहे होंगे हम, लेकिन इतना पता कि नीचे से ही आ रहे हैं। और ये सबसे अच्छा बढ़िया व्यू लगा यहाँ ना, ठंड बहुत है क्योंकि धूप कम पड़ती है, वहाँ पेड़ है, मज़ा आ गया। तो रानीकोट से जस्ट 50 फीट से आगे आपकी रोड सारी खत्म हो गई था सर, अब ये सारा ऑफ रोड देखा जो आप देख रहे हैं, मुझे लग रहा है यही रोड है सच पास का। भाई ध्यान रखिएगा रास्ते में, इस तरह की कुछ तारे वारे भी मिल सकती हैं, हमारे बाइक में अड़क गई थी। चलो कुछ नहीं, सब ओके है। तो गाइस वो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, वहाँ बर्फ नज़र आने शुरू हो गई है और वहीं जाना है ऊपर अपने को।
खा रहे थे। देखना तुम्हें रुकना, वाटरफॉल देखिए, बर्फ, ओए बर्फ गिरी हुई है बीच में, बीच में बर्फ नजर आ रही है गाइस, और दो वाटरफॉल वो रहे सामने का। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा पत्थर है यार इस वाटरफॉल के पास। वो कौन सा दूध सागर है ना, वैसा लग रहा है बिल्कुल, मज़ा आ गया देखने में। पर इसको देख के ठंड कम लग रही है पीछे वाले वाले के जाए, क्योंकि यार धूप पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है। तो गाइस मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे हेलीपैड बना हुआ है और रास्ता थोड़ा ज़्यादा कठिन हो गया है, मतलब पत्थर बड़े बड़े मिल रहे हैं, बर्फ के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। और ये देखिए गाइस कहाँ से आ रहे हैं, और टफ होता जा रहा थोड़ा थोड़ा। मतलब अगर कोई पहली बार करने आ रहा ना, तो वो तो सोचेगा पता नहीं क्या ही कर लिया मैंने, मुझे इतना नहीं लग रहा क्योंकि पहले काफ़ी सारे कर चुका हूँ। रोड जो है वो ऑफ रोड है, मतलब कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, बस मुझे ये है कि मुझे सच पास पहुँचना है, ये तो मेरे को पता ही है कि ऑफ रोड ऐसा होता है। लेकिन अपना जावा 42.1 गुड, टू गुड, कहीं टच नहीं हुई है। दो बंदे बैठे हैं और देख सच पास कर रहे हैं, और पत्थर देखो कितने पड़े हैं। तो यहाँ थोड़ी सी चढ़ाई आ गई जब गुरमीत को उतारना पड़ा, तो एक ये मोड़ आया है यहाँ, मे भी थोड़ा ज़्यादा दम ले बाइक क्योंकि मोड़ है। अरे भाई साहब दोनों बैठे हुए हैं और चढ़ाई भी काफ़ी है। चल भी चल भी चल भी चल भी चल भी चल भी चल भी, चलो जितना सोचा था उतना था नहीं, लेकिन हाइट से हाइट काफी थी, आराम से हो गया। ये है काफी दम लग रहा है बाइक का, निकल जाएगा आराम से यहाँ से भी। भाई साहब चूरधार के लिए भी कुछ ट्रैक हमें ऐसा मिला था, धारचूला के लिए भी मिला, और मैं एक और जगह गया था नेपाल। भाई अगर आपने नेपाल का मनांग ऑफ रोड किया ना, तो ये वाले ऑफ रोड आपको सब बच्चे लगेंगे जितने भी हैं। मनांग ऑफ रोड वाकई में ऑफ रोड है, उस जैसा ऑफ रोड नहीं मैंने देखा। मैंने और एक भाई शेवाद ने साथ किया था, सच में एक जगह तो डर लग ही गया था, एक बार कहा दो तीन बार लगा कि यार आए क्यों गए हैं, हमने ये किया ही क्यों मनांग, लेकिन पूरा किया था, मज़ा आ गया था। उनके आगे ये कुछ नहीं है, ये तो सड़कें फिर भी आपको नज़र आ रही हैं थोड़ी चौड़ी चौड़ी, वहाँ तो बस दो मोटरसाइकिल निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है, काफ़ी डेंजरस है वो। लेकिन ऑफ रोड का भाई डैडी है वो, ये देखो भाई साहब वीडियो चाहे थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रोड के बारे में।
अब तो एल्बोज में भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ने लगा है, और इस हाथ की मिडिल फिंगर में वो भी अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दर्द कर रही है, क्योंकि एक ही जगह स्टक है ना वो। यहाँ मोड़ काफ़ी हैं, और यहाँ अगर दिक्कत आ सकती है ना तो बरसातों में आ सकती है या फिर ब्लैक आइस की वजह से। अगर आप नॉर्मल बाइक से आ रहे हैं तो या गाड़ी से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि ऑफ रोड तो पूरा मिलेगा, बॉडी पूरी हिल जाएगी सच पास पहुँचते पहुँचते, और ऑक्सीजन लेवल देखा जाए तो कम है। ऐसी जगहों पर ना ज़्यादा मत खड़िए, 5 मिनट लगाइए और निकल लीजिए, वहाँ जो भी शूट वगैरह करना है वो कीजिए और निकल लीजिए, क्योंकि फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। साथ में कुछ बैकअप लेके चले। और रास्ता तो भाई साहब अब क्या ही है, देख ही रहे हैं। शुक्र आज बर्फ़ नहीं है, मेल्ट हो गई है जितनी भी बर्फ़ गिरी थी आई थी थोड़े दिन पहले, मैं वीडियोस देख रहा था। अभी फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि अब हो सकता है कि बर्फ़ गिर जाए कुछ ही दिनों में। अगर ये सब पहले पता होता तो मैं बैग अपने साथ ही ले आता और यहाँ से आगे की कंटिन्यू करता जर्नी। वो गर्मी इतनी जड़ हो गया इस वजह से मैं फिर रिस्क नहीं लिया कि मैं क्या यार उसको बैठना मुश्किल हो जाएगा पीछे। सच पास हमने कर लिया, इतना ही बहुत है करना है अभी तो। अभी तो मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर रह चुका है यार। वो नहीं मिला ढाबा जो रानीकोट के आगे सतरुंदी में पड़ता है, वो शर्मा जी का ढाबा कुछ लिखा हुआ था, दो जगहें मिली लेकिन वहाँ सब कुछ उखड़ा हुआ था, बोलिए अब मिला नहीं, मे बी वो चले ना गए हो। वो 6 किलोमीटर रह गया है सच पास, और काफ़ी गर्म हो गई थी बाइक, साउंड सी आने लगी थी, तो पीछे जो खड़ी है वो देख ही रहे हैं आप, उसको वहाँ ठंडा होने के लिए रख दिया है। ऑक्सीजन लेवल शायद कम हो गया था जिस वजह से ये साउंड सी आई है और स्मेल सी आने लगी थी, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ ना हो जाए। और 10:30 हो चुके हैं, ठंड कम है क्योंकि बर्फ़ पड़ी नहीं है और धूप प्रॉपर खिली हुई है। ये देखिए नज़ारा देखिए पहले आप, कोई नहीं, हम ही सबसे पहले आए थे यहाँ और यहाँ तक हम ही पहुँचे दोनों। तो गाइस 15-20 मिनट रेस्ट करके और बाइक को भी रेस्ट दे के निकल पड़े हैं फिर से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए सच पास का। और एक और मोड़ ज़बरदस्त, ये मोड़ बड़ा सही लग रहा है मेरे को, नीचे की गहराई देखिए गाइस। ओह भाई साहब, ओह भाई साहब, ओह, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, ओ चढ़ गया चढ़ गया गुरमीत्या। तो गाइस जावा की पावर ने खुश कर दिया दिल सच में यार, मजा आ गया। ये देख लीजिए एक और आ गई है चढ़ाई, अरे भाई साहब ये देख लीजिए गाइस एक और चढ़ाई आ रही है, लेकिन उन दो चढ़ाइयों से थोड़ा ठीक ही है ये, वो मोड़ पे है ना चढ़ाइयाँ तो वो दिक्कत करती हैं। ये नहीं भाई, ओह कितना सूखा पड़ा हुआ है यहाँ पे, एक भी पेड़ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ, ऑक्सीजन तो कम होगी होगी। ओह अभी हमारे से पहले कोई नहीं गया ऊपर, हम ही चले हुए तब से, ना कोई नीचे से आया, ऊपर से एक स्कॉर्पियो आई थी बस, जिसमें एक अंकल बैठा हुए थे और एक लड़का था जो चला रहा था, वो शायद किलार या किश्तवाड़ वाली साइड से आ रहे होंगे। तो आई थिंक 1 या 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर रह गया है सच पास, और वो जो दिख रहा है ना आपको वहाँ कोना, तो शायद वहाँ से सच पास नज़र आने लग जाए, क्योंकि हमें 2-3 बार ऐसी लगा कि यहाँ से नज़र आएगा यहाँ से नज़र आएगा, लेकिन आगे से आगे रोड नज़र आने लग पड़ती है। अब मुझे लग रहा है फाइनली यहाँ वो जो सामने है
उसके आगे शिंगला कह रहा हूँ, सच पास है। और शिंगला पास का भी कुछ कुछ एरिया ऐसा ही था जब रोड नहीं बनी हुई थी, और मैं सोलो ही चला गया था वहाँ। डारचा से शिंगला पास किया था मैंने, वो भी बहुत ज़्यादा स्नो थी वहाँ पे तो। और ब्लैक आइस भी मिली थी लाइफ में, पहली बार मैंने ब्लैक आइस देखी थी शिंगला पास। तो तब पता चला था कि ब्लैक आइस होती क्या है। तो ये आखिरी का रास्ता देख लीजिए सच पास पहुंचने से पहले। वीडियो चाहे लंबी हो जाए लेकिन बस पहुंचने वाले हैं यहाँ पे। एक दो जगह चढ़ाइयाँ काफ़ी थी लेकिन बाइक अपना चढ़ गया आराम से, और गुरमीत भी साथ ही था और अभी भी है। और आज मौसम ना बाई चांस बहुत साफ मिल गया, इसलिए राइड थोड़ा इजी हो गया है। मैंने सोचा यहाँ बर्फ होगी और कुर्मी साथ में इंजर्ड है वो, तो मैं कहा यार फिर कहीं ब्लैक आइस होगी तो उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो किलार वाला तो रह ही गया यार ड्रीम इस बार थोड़ा। ओ भाई पूरा जोर लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है मोटरसाइकिल नहीं, मैं मोटरसाइकिल से आगे हूँ, मैं खींच रहा हूँ मोटरसाइकिल को, लेकिन मोटरसाइकिल हमें खींच रहा है। मेरी बातों से पता लग रहा होगा कि कितना दम लग रहा होगा यहाँ। बहुत ये आखिरी के लग रहा है, एक दो किलोमीटर लग रहा है। क्योंकि गुरमीत ने मेरे को भी पकड़ रखा ना, तो जब कोई खड्डे वड्डे आते हैं ना तो वो मेरे को खींच लेता है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा आगे आगे होना पड़ता है। ओ भाई था हो उतराई आ गई भाई साहब, उतराई 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 में बहुत संभल के संभल के संभल के संभल के। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, लास्ट के आई थिंक दो तीन एक दो किलोमीटर जो भी हैं यार, ये मेरी तो उंगली में दर्द हो गया है सच में बता रहा हूँ। पर सच पास आने का नाम नहीं ले रहा, हर मोड़ के ऊपर मोड़ आ जा रहा है, अभी भगवान करे इसके आगे आ जाए सच पास। और सच पास जाके हम माता के दर्शन करेंगे, काली माता मंदिर है वहाँ पे सच पास में। अरे ऊपर पहाड़ देखो कैसा लग रहा है अटका हुआ। मुझे लग रहा है पहुंच गए हैं, वीडियो मैंने कंटिन्यू कर रखी है, इसके बाद तो आएगा शायद सच पास। अब आएगा सच पास इसके बाद कि नहीं, अरे नहीं इसके बाद भी टूटी फूटी रोड ही। ओ भाई साहब वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो सच पास पहुंच गए, सबसे पहले पहुंच गए आज की डेट के, हम दो पहले इंसान जो सच पास कर रहे हैं। लो जी यहीं पे खड़ी करेंगे बाइक, यू कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एट सच पास एलिवेशन 14,482 फीट। और ये रहा सच पास मंदिर, काली माता जी का मंदिर है ये। हाँ वाह, जय हो काली माता जी की, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ओ यार ये तो आज ये भी बंद है, चाय भी नहीं मिलेगी, ठाकुर जी चले गए हैं ठाकुर ढाबा। ये शायद ना जो बर्फ़ पड़ी ना इनको लगा कि ये शायद बर्फबारी शुरू हो गई है तो इसलिए ये चले गए हैं। हवा बहुत चल रही है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। ये रही मेरी बाइक और ये रहा सच पास का, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एट सच पास। मैं अपने आप को भी दिखा दूं यार। तो गाइस वी डिड इट इसलिए कि मैं और गुरमीत और आई डिड इट कि मैं भाई मैंने अकेले भी किया एक तरह से सच पास, ये रहा जो एक ड्रीम था हो गया बहुत अच्छे से। इस तरफ का भी रास्ता काफी क्लियर नजर आ रहा है लेकिन
सामान साथ नहीं है जो कि टीशा में पड़ा है, शायद वापिस होना पड़ जाए। बाकी मंदिर में भी कोई नहीं है, दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय हो। तब सच पास में जो मंदिर बना हुआ है वहाँ के दर्शन कर रहे हैं। सामने शिव महाराज भी बैठे हुए हैं, पिंडी के रूप में या शिवलिंग के रूप में कह लीजिए। और नज़ारा देखिए, इसे कहते हैं सच पास। एक टाइम में थोड़े दिन पहले पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, पर वो अपने नीचे बाइक खड़ी है। तो घर से टोटल 476 किलोमीटर आ गए भाई, सच पास अपना इतना बढ़ता है। टाइम हुआ है 12 बजने वाले हैं, अगर आपको नजर आ रहा हो। अरे यार ये देख रहा है, तो हवा काफी चल पड़ी है, कोई नहीं आया। हम दो ही हैं, मैं और गुरमीत, सच पास पे आज के दिन 16 अक्टूबर सिर्फ एक वैन आई थी, वो नीचे चली गई है। आई थिंक ना बर्फ पड़ने की वजह से हो गया ये सारा। ये भी बंद है, सतरुंडी वाला ढाबा भी बंद है, सिर्फ रानीकोट वाला है, वो भी पता नहीं कितने दिनों तक। तो ये एक तरह से क्लोज ही मानिए, और अगली बार आने की सोचिएगा, क्योंकि अब पता नहीं कल परसों चौथ कब पड़ जाए बारिश कह रहा हूँ, स्नोफॉल हो जाए यहाँ। तो आज दिन अच्छा था और हम दोनों ने कर लिया सच पास। तो गाइस ये जाते हुए काफी सारा पानी आ गया, मेल्ट हो रहा है ना पानी। तो जब सच पास आओगे ना तो ये चीज मिलेगी आपको रास्ते में, ये बड़ी अल्टीमेट लगी मेरे को। जाते हुए तो नहीं कर पाया था, आते टाइम मैंने ये कैप्चर किया भी। और ऐसा ही सेम अगर आप स्पीति जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा ऐसा ही सेम है। तो गाइस हमने तो अपना पेट पूजा कर लिया है, सच पास अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कभी भी सच पास के लिए आ रहे हैं ना और बैरागढ़ में रुके हैं या उससे पीछे कहीं रुके हैं, तो पहला ढाबा जो आएगा चेक पोस्ट के बाद वो ये आएगा शर्मा ढाबा, जो कि रानीकोट में पड़ता है, और आगे है शत्रुंदी। वो सब बंद हो चुके हैं आज की डेट में 16 अक्टूबर। तो ये सबसे बढ़िया शर्मा ढाबा का खाना लगा आज हमें, और शर्मा जी से भी मिलवा देता हूँ जो यहाँ पर है। तो इनका मोबाइल नंबर में आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए एक बार, जो आपने मेरे को बताया क्या था, 93 93 हाँ 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 हाँ
ठीक है, तो ये इनका नंबर है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सचपाथ की डिटेल भी ले सकते हैं। और सबसे पहले इन्हीं का ढाबा पड़ता है और ज़बरदस्त खाना, और इनके पास कैंपिंग फैसिलिटी भी है, कैंप वगैरह वहाँ ऊपर सामने देखिए, फ्रेश पानी, खाना वाना, चाय, और ये देखिए सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है, इसका टेस्ट आप लेके जाइएगा जब भी आप आए यहाँ। तो ये इन्हीं का है, वॉशरूम वगैरह भी है इनका बना हुआ नीचे, और ये बर्फ़ के टाइम में आ रहा है तो ये भी आपको अवेलेबल है। तो याद रखिएगा कभी भी आए तो यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा शर्मा ढाबा पे, ठीक है जी। और ऊपर भी मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, वो भी नोट कर लीजिएगा। चलो ठीक है जी, फिर है, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे आपसे, ओके। तो फाइनली हम बैरागढ़ पहुँच चुके हैं सचपास की सैर करके, और सामने ही चेक पोस्ट बनी हुई है जहाँ पर परमिशन मिलती है और फ़ोटो वगैरह आपकी क्लिक की जाती है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ ये है चेक पोस्ट गाइस। अभी हमें यहाँ बताना है कि हम आ चुके हैं। हाँ बता दे, पहले तो बाई कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। चलो ठीक है, चलो भाई बैरागढ़ के बच्चों से बाय बाय करवा दी फाइनल, अपना यहाँ ये सफ़र ख़त्म होता है सचपास का। चिकन कॉर्नर भी लिखा हुआ था जी, यहाँ चिकन वीगन भी मिल जाएगा। ये है बैरागढ़, देख रहे हैं आप, दिन में दिखा रहा हूँ आपको। यार देखो यार कहाँ कहाँ दुनिया बसी हुई है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम टीशा। टीशा में इसलिए क्योंकि हम सच राइड करने आए हुए थे, और जो कि कल 16 अक्टूबर 2024 को हमने सच राइड की थी अपने जावा 42.1 से, मैंने और गुरमीत ने, तो बहुत बढ़िया रह गई। लेकिन थकान भी काफ़ी हो गई थी जिस वजह से शाम को ब्लॉग का एंड नहीं कर पाए। और नज़ारा देखिए पहले आप टीशा का, सुबह सुबह का, अभी शॉप्स ओपन नहीं है, 7 का टाइम है। और ये रहा अपना तीसरा यार जिसने पूरा साथ दिया राइड पे, कहीं नहीं दबी बाइक दो बंदे बैठकर। बस ये था जो प्लान था हमारा किश्तवाड़ तक जाने का, वो थोड़ा गुरमीत की वजह से चेंज करना पड़ा। और बस यही है कि कल ब्लॉग एंड नहीं कर पाए। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा। एक बात और कि सचपास राइड जो है वो 16 तारीख तक की मेरे को लग रहा है होगी, उसके बाद शायद मे भी 3-4 दिन या हफ्ते में वहाँ पे स्नोफॉल होने के पूरे चांसेस हैं। और ऊपर के जो ढाबा वगैरह है रानीकोट के ऊपर, जैसे आप बैरागढ़ पहुँचेंगे, बैरागढ़ के बाद वहाँ पर रानीकोट आता है चेक पोस्ट के बाद, रानीकोट खाना वाना जो है ढाबा वहाँ बना हुआ है, उसके बाद एक और जो लोकेशन है वहाँ शर्मा ढाबा की, वो सब बंद हो चुके हैं। और इवन की जो सच पास के पास एक छोटी सी शॉप है चाय मैगी वाली, वो भी बंद हो चुकी है। तो कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ रानीकोट पे ही लास्ट ऑप्शन है खाने पीने की। इनकेस अगर आप आ रहे हैं तो रानीकोट में जो है अपना सामान वहाँ पर ले लीजिए, या आप वहाँ पर खा के जो है सच पास राइड कर सकते हैं। पर मैं अब कहूँगा नहीं क्योंकि अब शायद क्लोज होने वाला है, बाकी आप देख लीजिएगा अगले साल। बस यही अपडेट देनी थी आपको। और कल के अलावा मेरे और गुरमीत के कोई था नहीं, गाड़ियाँ आ जा रही थी, बाइकर कोई नहीं था, कोई बाइकर नहीं था वहाँ पे। और काफ़ी सही एक्सपीरियंस था सच में, सोचा नहीं था लेकिन बढ़िया हो गया सच राइड, सच पास राइड। और बस मिलता हूँ फिर आपको एक नए दिन के साथ एक नई राइड पर, तब तक के लिए गुड बाय।